डभोई दर्भावती नगरी में 144 रथयात्रा की उजवणी सादगीपूर्वक करवामां आवी। हिंदू संप्रदाय मुजब अषाढ़ महीना शुक्ल पक्षनी बीजना दिवसे उजवाता तेहवार ए रथयात्रा तरीके ओळखाय छे। वर्षोनी कहानी मुजब आ तेहवारनो मुख्य उद्देश्य परिवारना सभ्यो साथे मळीने रहेवानो छे। ज्यारे जगतना नाथ खुद नगरजनोने आशीर्वाद आपवा माटे नगरचर्याए निकळे छे। भगवान जगन्नाथनी 144मी रथयात्रा जेमां भगवान जगन्नाथ नगरचर्याए निकळता होय छे, परंतु छेल्ला बे वर्षथी कोरोना वायरसनी महामारीना कारणे आ यात्राना कार्यक्रममां फेरफार करवामां आव्या छे। डभोई पौराणिक श्री बद्रीनारायण मंदिर खाते भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्राजी तथा मोटा भाई बलराम साथे पालखी में बिराजमान थईने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा मंदिर परिसर में फेरवामां आवी हती, जेमां मंदिर महंत 1008 सुदर्शन रायजी ट्रस्टीओ तेमज डभोई नगर पालना भावी भक्तों सौ उपस्थित रहा था। छेल्ला बे वर्षथी जगन्नाथजीनी यात्रानो लाभ डभोईना दर्भावती नगरीना लोकोने मळतो नथी, परंतु महंत 1008 सुदर्शनचार्यजी अने मंदिरना कार्यकर्ताओ द्वारा आ यात्राने मंदिरना परिसरमां ज फेरवी भक्तजनोने दर्शननो लाभ आपवामां आवे छे। आ प्रसंगे डभोई दर्भावतीना धारासभ्य शैलेषभाई मेहता, डभोई नगरपालिकाना प्रमुख काजलबेन दुलाणी, डॉक्टर बीजे ब्रह्मभट्ट, डॉक्टर संदीप शाह, माजी प्रमुख सोनल सोलंकी तेमज कांग्रेसना वरिष्ठ नेता सुभाषभाई भोजवाणी, प्रोफेसर सी एम पटेल तेमज मंदिरना कार्यकर्ताओ अने सौ भक्तजनों उपस्थित रहा हता। आ रथयात्रानी सेवानो लाभ लीधो हतो। रथयात्रा यहाँ चलती है, 800 वर्षों की रथयात्रा कौन बंद कर सकता है? और बाहर न निकाल के अपने मंदिर परिसर में घुमा लो तो भी भगवान खुश हैं। इसलिए बड़े धूमधाम से हम मौसाड़ा भी रथयात्रा भी घुमा लेंगे और प्रशासन को भी हमको तंग नहीं करेंगे, प्रशासन भी खुश रहे, पुलिस वाले भाई बहनें भी खुश रहें। इसलिए यह यात्रा हमने कैंसिल कर दिया, कहा कि नहीं कर्फ्यू में हम भगवान को नहीं ले जाएंगे, अब महामारी बीतने के बाद 2 साल बाद करेंगे, लेकिन बड़े धूमधाम से करेंगे। तो हमने अपनी रथ यात्रा मंदिर परिसर में घुमाने का संकल्प लिया और बड़े धूमधाम से घुमा रहे हैं। मौसाड़ा भी बड़े धूमधाम से किया। इस मौसाड़ा में ये बद्रीनारायण मंदिर से निकल करके स्वामीनारायण मंदिर, नीलकंठ पार्क भगवान गए, 3 दिन रुके, वहाँ से बाजे गाजे के साथ में
बिना प्रशासन की सहायता से यहाँ ले आए, कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए वही बद्रीनारायण मंदिर की रथ यात्रा से सभी को शिक्षा लेना चाहिए कि ये महामारी काल में अपने अंदर भी भगवान घूम सकते हैं। क्यों जिद करना और क्यों घबराना, भगवान सबके रक्षक हैं और सबका कल्याण करते हैं। इसलिए